चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, राम राम भी सभी को। आइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज तुम लोगों का एक क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम की जो हमने 10th शो की क्लास ली थी वेंसडे को, वो सेव नहीं हुई। एक्चुअली वो क्लास जो हमने ली थी ना, वो इनकम्प्लीट रह गई थी। तो बजाय कि इनकम्प्लीट क्लास को छोड़ने के, मैंने उसको डिलीट कर दिया। और आज क्लास कंप्लीट होगी, आज इनकम्प्लीट नहीं छूटेगी किसी वजह से, ठीक है? तो आज हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आप लोगों को तब तक, कि वो जो हमने फ्री प्रैक्टिस बैच बनाया ना, एनकॉम प्रैक्टिस, जो एनकॉम प्रैक्टिस बैच हमने बनाया है, उसकी फर्स्ट क्लास कल शेड्यूल्ड है। वो तो आप बैच पे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो जान ही जाएंगे। एप्लीकेशन देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का नाम है असेक लाइव, लाइव ठीक है, LIVE, असेक लाइव नाम है एप्लीकेशन का। उस पर एक बैच है एनकॉम प्रैक्टिस, ये फ्री प्रैक्टिस बैच है, फ्री प्रैक्टिस बैच। कंपटीशन के लिए जो बच्चे तैयार करते हैं, SSC है, UPSC है, बैंक है, उन एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रैक्टिस का अच्छा कंटेंट होगा। मतलब अच्छा इंटरप्रिटेशन तो होंगे ही होंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे। तो आप एनकॉम प्रैक्टिस बैच को उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री प्रैक्टिस बैच है। ज्वाइन करने के लिए उसमें आपको देखिए वहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो है 500 आप फीस है वो पे करके ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करनी, क्योंकि वो एक्चुअली फ्री है। वो इस तरीके का सिस्टम है, ऐप पे कोई ना कोई हमें प्राइस फिक्स करके रखना पड़ता है हर एक चीज़ का, ठीक है? तो उस पर क्या है, कूपन कोड अप्लाई करना है आपको। अगर आप कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कूपन कोड जो है वो है प्रैक्टिस, PRACTICE, कैपिटल लेटर्स में लिखना है इसको, और वो बैच ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? उसकी फर्स्ट क्लास जो हमने है ना, वो कल शेड्यूल किया है। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट प्रैक्टिस बैच की क्लास जो है वो कल शेड्यूल्ड है, टुमारो 5th मई 2020 को 9 PM to 10 PM, 10 PM और 10:30 वो तो स्टार्टिंग का टाइम होता है, बाद में तो अपने जब चाहे एंड कर लो। तो कल उसकी फर्स्ट क्लास शेड्यूल्ड है, ठीक है? हाँ, कल हम लोग उसकी क्लास करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ। उस समय जब हमने इस बैच के लिए कूपन कोड जनरेट करवाया, तो हुआ क्या, वो शुरू में कूपन कोड था, मुझे लगता है वो अक्रॉस द बोर्ड, मतलब अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई कर रहा था। मतलब आप किसी भी बैच में उसको अप्लाई किया होगा तो हर एक में हो गया होगा, ठीक है? मुझे लगता है 10-5 बच्चों ने उसमें कर लिया होगा। तो वो सारे बच्चे जिन्होंने कूपन के थ्रू बाकी कोर्सेज ज्वाइन कर लिए थे जो कि कूपन के लिए नहीं थे, उनसे उनको रिवर्ट कर दिया गया, उनको उससे कोर्स से निकाल दिया गया। एक दो बच्चे थे वो थोड़े हटी थे, होते हैं वो, मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, ऐसे 4-5 थे, ठीक है? तो उनको भी कर दिया गया। तो वो बैचेस जो आपने गलती से ज्वाइन कर लिए होंगे, एक्चुअली वो पेड बैचेस हैं, ठीक है? हाँ, उनके लिए वो कूपन था नहीं, लेकिन वो टेक्निकल टीम ने, जिसने कूपन कोड वो जनरेट किया, उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी, वो अक्रॉस द बोर्ड एप्लीकेबल हो गया, ठीक है? तो वो उसमें से निकाल देंगे, ठीक है? हाँ, प्रैक्टिस बैच है, आप उसको फ्री ऑफ चार्ज ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कूपन कोड का अप्लाई करके, ठीक है? कल से उसके लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक? एप्लीकेशन पे आप कमेंट भी करके पूछ सकते हो। वैसे तो पूछने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ चलो, कि बच्चों को पूछने की नौबत ना आए, ठीक है? तो वो कल से आप उसको कर सकते हो। 15 पेज भर दिए टेंस में, बढ़िया। अभी तो और देखो बच्चे, अभी तो एक ही क्लास हुई ना टेंस की। बेटा, वो जो प्रैक्टिस बैच है ना, उसमें पढ़ाएंगे नहीं। प्रैक्टिस बैच जो है ना, प्रैक्टिस के लिए, जैसे उसमें क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, वोकैब के क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिलअप्स वगैरह जो आते हैं वो होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स होंगे, कॉमन एरर होंगे आपके, वो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस बैच है मतलब वो। चलो खैर, आते हैं अपने काम की बात पे। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है टेंस, ठीक है? अब देखिए, जो टेंस की मैं लास्ट क्लास में आपको समझा रहा था, जो मुझे लगता है 25-30 मिनट की क्लास हो चुकी थी, और उसमें मैंने आपको कुछ पहले टेंस की जो क्लास थी उसमें जो पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करवाने की कोशिश की थी। हालांकि हम रिवाइज ही कर रहे थे, उसी समय किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे जाना पड़ा, और उसके बाद से हम दूसरी क्लास नहीं रख पाए, और आज हम उसकी टेंस की सेकेंड क्लास ले रहे हैं, ठीक है? तो मैं एक बात बता देता हूँ, बेसिक्स जो है, मतलब अगर कोई बच्चा नया होगा तो टेंस के बारे में, असल में देखिए
ये जो मैं इस समय आपके साथ में ये सीरीज जो टेंस पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है टेंस पार्ट वन नाम से, ये दूसरा हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बेसिक्स जो है वो सबको लगभग पता होते हैं टेंस के, जब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कोचिंग ली होती है, कहीं ना कहीं बुक से पढ़ा होता, तो बेसिक्स यूजली उनको पता होते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, टेंस तो सबको ही पता है, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी एक्शन के टाइम को और उसकी स्टेट को रिलेट करके टाइम ऑफ रिपोर्टिंग से, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। मतलब टेंस वर्ब की एक फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम किसी एक्शन की स्टेट को, किसी एक्शन के टाइम को टाइम ऑफ रिपोर्टिंग से रिलेट करके एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टाइम क्या होता है सबको पता है, टाइम एक डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ रियलिटी मैं इसे कहता हूँ, ठीक है, कि रियलाइज करने की हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को या उनको एक्सप्रेस करने की घटनाओं को जो हमें एक डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, वो मेजरमेंट की डायमेंशन है टाइम, ठीक है। टाइम को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं, एक पॉइंट्स में और एक ड्यूरेशन में, ठीक है। पॉइंट्स 2 PM हो गया जैसे, और ड्यूरेशन 2 आवर्स हो गई, ये क्या हो गया। तो एक तो ये बेसिक बातें तो सबको पता होती हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ब क्या है, वर्ब है कि एक्शन, वर्ब का मतलब है सीधी सी बात है एक्शन, ठीक है। अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स क्या है, वर्ब की फॉर्म्स आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, ठीक। उसके बाद में जो हम टेंस में कहते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये क्या है, तो वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। जैसे सपोज ये हमारी इटर्नल टाइम लाइन हो गई, ठीक है, तो जो टाइम का हमारा कॉन्सेप्ट है, वो टाइम का हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि टाइम इज लाइक अ रिवर विच फ्लोज फ्रॉम पास्ट टूवर्ड्स द फ्यूचर, जो पास्ट से फ्यूचर की तरफ फ्लो करती है। और उसमें जहां पर हम होते हैं, जहां पर भी मतलब स्पीकर जो होता है, जहां पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो पॉइंट होता है प्रेजेंट। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो ये जो टाइम है जिस पे मेरा एग्जिस्टेंस है, ये प्रेजेंट है। इससे पहले का टाइम जो बीत चुका है वो सब पास्ट है, और इसके बाद में जो टाइम आएगा वो सारा फ्यूचर होगा, डन। तो हमारे टाइम का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, हो सकता है कोई एक पॉइंट यहां पर हो ए, कोई एक पॉइंट यहां पर भी हो बी, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी मतलब एक्चुअल पोजीशन होती है, जो देखिए प्रेजेंट का मतलब आप स्पीकर समझें, प्रेजेंट का मतलब माने स्पीकर, स्पीकर का मतलब जो बात बता रहा है, जो बात कह रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो उसको वो जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो प्रेजेंट है। उससे पहले कुछ भी है ना, तो पास्ट है। जैसे ये पॉइंट ए जो है ना, हम इसे पास्ट कहेंगे, ठीक है, और पॉइंट बी जो है ना, इसे हम फ्यूचर कहेंगे, ऐसा हो गया। लेकिन अब होता क्या है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ना रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर स्पीकर की पोजीशन यहां पर है, तो ये ए पास्ट है और ये फ्यूचर है। लेकिन मान लो अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए कि जो हमारा स्पीकर है वो यहां पे आ जाए, ठीक है, ये स्पीकर की अपनी पोजिशन हो जाए, तो बी पास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर स्पीकर की पोजिशन आ जाए, तो ये ए फ्यूचर हो जाएगा। तो जब हम किसी टाइम को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहते हैं, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टर्म जो होता है ना, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइम है मान लो जो पास्ट है, तो वो हमेशा पास्ट ही रहेगा, वो सबके लिए पास्ट नहीं हो सकता। मैं ये बात एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे यस्टरडे लिखा, तो ये पास्ट है, ठीक है। लास्ट वीक हमने लिखा, तो ये भी पास्ट है। लास्ट मंथ लिख देंगे, तो वो भी पास्ट हो जाएगा, ठीक है। टुमारो लिखेंगे, तो ये फ्यूचर होगा। नेक्स्ट वीक लिखेंगे, तो भी ये फ्यूचर होगा। लेकिन अब मान लो हम यहां पे मंडे लिख दें, ओके, 6 o'clock लिख दें, 3 PM लिख दें, 15 जुलाई लिख दें, ठीक है, इन द मॉर्निंग लिख दें। अब ये जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप क्या कहोगे, प्रेजेंट कहोगे, पास्ट कहोगे, फ्यूचर कहोगे, ये क्या कहोगे, हम इन्हें कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए हम के बारे में बात कब कर रहे हैं। सपोज अगर हम 15 जुलाई से पहले बात कर रहे हैं, तो 15 जुलाई हमारे लिए फ्यूचर हो गया। अगर हम 15 जुलाई के बाद में बात कर रहे हैं, तो पास्ट हो गया। ये ध्यान रखना हमेशा। 6 o'clock से पहले बात कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर हो गया, बाद में बात कर रहे हैं, पास्ट हो गया। तो ये जो टाइम होता है, कोई टाइम पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ द स्पीकर या टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग पे, कि जो पर्सन बता रहा है उस एक्शन के बारे में वो खुद कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि जो उसका अपना एग्जिस्टेंस है ना, वो हमें प्रेजेंट मानना पड़ेगा। उससे पहले की घटना अगर वो बता रहा है जहां पर वो है, तो वो पास्ट हो गया घटना। उसके बाद में होने वाली घटना को बता रहा है, तो वो फ्यूचर हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंस का, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है।
एक दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, टाइम में कोई भी एक्शन जो है ना वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। टाइम में बैकवर्ड ओरिएंटेशन या बैकवर्ड मोशन मतलब पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई एक्शन मूव करेगा, जो एक्शंस के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कोई एक्शन इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि वो एक्शन अभी प्रोसेस में आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो कोई भी एक्शन जब इनकम्प्लीट होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, तो उसका जो मोशन होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, वो हमेशा फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड कभी नहीं हो सकता। मतलब नथिंग कैन गो बैक इन टाइम। टाइम में वापस कुछ नहीं जा सकता, या तो आप पास्ट से प्रेजेंट में आओगे, प्रेजेंट से फ्यूचर जाओगे, बस इतना ही हो सकता है, या फ्यूचर से फ्यूचर चले जाओगे, पास्ट से पास्ट चले जाओगे, लेकिन आप फ्यूचर से प्रेजेंट नहीं आ सकते, प्रेजेंट से पास्ट नहीं जा सकते। मतलब ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो सबको टेंस पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी एक्शन जो, जैसे ये टाइमलाइन है, ठीक है, और ये प्रेजेंट हो गया पॉइंट, और ये पॉइंट पास्ट हो गया, और ये पॉइंट फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट से रिलेटेड मतलब हम इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मान लो इससे 2 दिन पहले का और इससे 2 दिन बाद का कोई एक एक्शन है, वो इनसे रिलेटेड है, तो हम उसको प्रेजेंट ही मान लेंगे, ठीक है। देखिए, नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है वो एक पॉइंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। प्रेजेंट इज अ पॉइंट, नॉट अ ड्यूरेशन, ठीक है। पास्ट एंड फ्यूचर आर ड्यूरेशन। लेकिन अगर हम प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी एक्शन है, चाहे वो कहीं तक है, चाहे वो पास्ट में किसी भी पॉइंट तक हो या फ्यूचर में किसी पॉइंट तक हो, तो उसको प्रेजेंट ही मानना पड़ता है। मतलब प्रेजेंट से रिलेटेड जो है वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ा कि ये जो हम टेंस का यूट्यूब पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्लासेस का, इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट के थ्रू टेंस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रूल्स के थ्रू टेंस को नहीं पढ़ेंगे। जनरली जब हम टेंस पढ़ते हैं कहीं कोचिंग में या कहीं क्लास में, तो वहाँ पे हम टेंस को किस तरीके से पढ़ते हैं कि कोई एक रूल होता है, हम उसे याद कर लेते हैं और उसका एप्लीकेशन कर देते हैं सेंटेंस में, ठीक है। या हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट का हम सेंटेंस में एप्लीकेशन करके उस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और हम कहते हैं हमने टेंस सीख लिया, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पे हम टेंस को सिचुएशन से समझेंगे। एक सिचुएशन इमेजिन करेंगे माइंड में, अब फिर देखेंगे कि उस सिचुएशन को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो किसी सेंटेंस में, तो हम किस तरीके से उसको लिखेंगे, कौन सी हमें वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी, और उस एक बात को कहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मतलब वी आर नॉट कोडिंग टेंस, वी आर डिकोडिंग इट। मतलब इन क्लासेज में हम टेंस को कोड नहीं कर रहे, हम उसको डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम रूल से टेंस या कॉन्सेप्ट टेंस नहीं पढ़ रहे, हम टेंस से कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। मतलब हम थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, दिमाग को अपने ज्यादा यूज करेंगे, बस ये है, ठीक है। तो चलो लग जाए क्लास में, आ जाओ। देखिए, दो सिचुएशंस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मान लो कोई ऐसा व्यूअर हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसने ये वीडियो देख रहा हो, लेकिन उससे इसने पहले वाला पार्ट 1 ना देखा हो, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप वो जो पहले वाला वीडियो है ना, पार्ट 1, उसको जरूर देखें। अब फिर उसके बाद में दोबारा ये वीडियो सेव हो जाएगा, यूट्यूब पे ही रहेगा, इसके बाद में इसको देखें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, डन। चलो, तो उसमें हमने 2 सिचुएशंस डिस्कस की थी। उन दोनों सिचुएशंस में जो एक्शन था उसको हम किस तरीके से, कौन कौन से टेंसेज में लिख सकते थे, कौन कौन से प्रेपोजिशंस का यूज़ करके लिख सकते थे, ये हमने डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा उनसे आगे आप लोगों को ले चलता हूँ। एक सिचुएशन 3 देखते हैं। ये है सिचुएशन 3। देखो, ये एक टाइमलाइन हो गई, और इस टाइमलाइन पे ये हमारा स्पीकर हो गया। स्पीकर का मतलब ये पॉइंट प्रेजेंट हो गया, ध्यान रखना। स्पीकर जहाँ पे होता है वो प्रेजेंट होता है। स्पीकर का मतलब रिपोर्टर, जो उस एक्शन के बारे में किसी को बताएगा, बोलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट प्रेजेंट हो गया। इससे पहले, जैसा कि तुम्हें पता है, ये सब पास्ट है, उसके बाद में सब फ्यूचर है, डन। अब यहाँ पे एक एक्शन हुआ किसी पॉइंट पे, ठीक है। ये एक टाइम का पॉइंट है, टाइम का पॉइंट हम मान लेते हैं, ये मान लो ए है, ठीक है। इस ए पॉइंट पे कोई एक एक्शन हुआ है, अच्छा। फिर उसके बाद में एक मान लो ड्यूरेशन है जिसके अंदर ये पॉइंट लाई करता है, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन है इसको हम मान लेते हैं कि ये बी है। देखो, मैं फिर से बता देता हूं, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। जो टाइम होता है ना भाई, इस टाइम को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक पॉइंट में और एक ड्यूरेशन में। टाइम कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज, इधर इन पॉइंट्स और इन ड्यूरेशन। जैसे हमने 2 PM लिखा तो ये पॉइंट हो गया, और 2 hours लिखा तो ये ड्यूरेशन हो गया, डन। चलिए, हरिओम प्रभु। खैर, तो मैं बता रहा था यहां पर कि ये जो ए है ना, ये पॉइंट है, मान लेते हैं 2 PM है,
और ये जो बी है ये ड्यूरेशन है जिसके अंदर वो पॉइंट लाई कर रहा है। मान लो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे ये पॉइंट हो गया ए और ये ड्यूरेशन हो गई बी। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं। ये जो बी हमने ड्यूरेशन लिखी है इसको हम मान लेते हैं यस्टरडे, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं 3 PM, ठीक। तो ये जो 3 PM पॉइंट है और ये जो बी ड्यूरेशन है यस्टरडे, यहां पे 3 PM पे एक कोई एक्शन हुआ है, कोई भी एक्शन मान लेते हैं। सपोज हम उस एक्शन को मान लेते हैं डू माई वर्क, जो हम पिछली क्लासेस में मान रहे थे वही सेम मान लेते हैं डू माई वर्क। ये एक्शन है डू माई वर्क जो ए पॉइंट पे हुआ है, ए पॉइंट है 3 PM, पास्ट का पॉइंट है, ठीक है, और वो पॉइंट एक ड्यूरेशन जो है बी उसमें लाई करता है और वो ड्यूरेशन है यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब 24 आवर्स, ठीक है। अब हमें उस एक्शन को डू माई वर्क को टेंस में लिखकर बताना है। अब देखो हम उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई तुम कर लो फिर मैं समझा देता हूं, ठीक है। राम राम भाई सभी को। मैंने इंग्लिश को एक्चुअल में लॉजिकल नहीं बनाया, इंग्लिश है लॉजिकल, इंग्लिश फिजिक्स है, मतलब आप सीधे समझिए एवरीथिंग इज लॉजिकल एंड एक्सप्लेनेबल, नथिंग लाइज हियर एज रूल्स, रूल्स एक्सेप्शन ये कुछ होते नहीं है इंग्लिश में। ये तो खैर हम शुरुआत में पढ़ते हैं फिर उसी को पढ़ते रहते हैं जिंदगी, और हम उससे थोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहते या हमें बढ़ने नहीं दिया जाता या जो भी रहे, मतलब कुल मिला के, बट इंग्लिश इज अ साइंस। बहुत डिफिकल्ट है ये, देखो मैंने पहले बता दिया था ये जो हम टेंस डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चे, ये इलीट लेवल का मतलब है, मतलब इलीट लेवल में टेंस का पहला स्टेप है। जब ऐसे की इलीट मेरा एक प्रोग्राम है एडवांस लर्नर्स के लिए, जो एडवांस्ड लर्नर्स हैं इंग्लिश के उनके लिए प्रोग्राम मैंने तैयार किया है, ठीक है, ऐसे की इलीट इसका नाम मैंने रखा है। और ऐसे की इलीट में जो टेंस का सिलेबस है ये उसका इंट्रोडक्शन एक तरीके से, मतलब ये उस टेंस का इंट्रोडक्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो थोड़ा सा तो आप मान के चलो कि हाँ भाई समझने में मुश्किल होगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, मैं समझाऊंगा तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, आसान है, ठीक है, बट अपने आप सोचोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि जिस तरीके से तुमने टेंस को आज तक पढ़ा है, सुना है, जाना है, उस तरीके से ये लगेगा अबे क्या है, ठीक है, ऐसे तो हम गलत पढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा मुश्किल बट एक्चुअली इट इज नॉट। इंग्लिश में टेंस के टॉपिक्स की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस बच्चे डिपेंड करती है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब आप एक सेट सीक्वेंस नहीं सेट कर सकते कि आपने एक सीक्वेंस बना दिया वही सब पे काम करेगा, वो वेरी करता रहता है पढ़ने वाले पे, पढ़ाने वाले पे और उनके पर्पस पे कि वो लोग क्यों पढ़ रहे हैं इंग्लिश को, ठीक है, कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश को, जो पढ़ा रहा है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिन्हें वो पढ़ा रहा है उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका अपना मेंटल लेवल क्या है, ठीक है, और वो इंग्लिश को पढ़ किस पर्पस के रहे हैं, उनका इंग्लिश पढ़ने का पर्पस क्या है, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है सीक्वेंस। आंसर तुम लोगों ने बताया बहुत अच्छा लगा, बहुत से बच्चों ने कमेंट बताया आई डिड माई वर्क यस्टरडे एट 3 PM, ठीक है, आई डिड माई वर्क एट 3 PM वगैरह वगैरह। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि इस एक्शन को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमें पता है कि जो 3 PM है ना ये पॉइंट है पास्ट का, तो एक तो सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं आई डिड माई वर्क एट 3 PM, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये 3 PM जो है ना पॉइंट है पास्ट का, क्योंकि ये पॉइंट पास्ट का है तो हमने इसीलिए टेंस भी पास्ट का इंडेफिनेट लिख दिया, ठीक है। फिर वो जो ड्यूरेशन थी यस्टरडे वो भी ड्यूरेशन पास्ट की थी, तो अगर हम चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं आई डिड माय वर्क यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे खुद एक एडवर्ब है तो उसके साथ में कोई प्रिपोजिशन वगैरह नहीं लिखनी है, सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं आई डिड माय वर्क यस्टरडे। तो देखो एट 3 PM जो है ये पॉइंट है पास्ट का, तो हमने टेंस पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया, ठीक है। आई डिड माई वर्क यस्टरडे ये ड्यूरेशन है पास्ट की, तो हमने टेंस पास्ट लिख दिया।
ये हो गया दो तरीके से। फिर एक और सिचुएशन देखते हैं, हमने एक थर्ड सेंटेंस लिखा, आई डिड माय वर्क एट 3 PM यस्टरडे, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग चाहो तो उसको रिवाइज कर सकते हो। हमने पढ़ा था ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, आई डिड माय वर्क एट 3 PM, अगर हम इसको चाहें तो वॉज डूइंग भी लिख सकते हैं। ये पढ़ा था, आई डिड माय वर्क एट 3 PM, तो हम इसको आई वॉज डूइंग माई वर्क भी लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं, हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब हम डिड लिखेंगे, ठीक है, तो ये वन टाइम इवेंट होगा कंप्लीट स्टेट का। वॉज डूइंग लिखेंगे तो ये वन टाइम इवेंट होगा इनकम्प्लीट स्टेट का। मतलब अगर हम डिड लिख देंगे तो इसका मतलब वन टाइम इवेंट कंप्लीट, जो हो गया 3 PM पे। वॉज डूइंग लिख देंगे तो इसका मतलब वन टाइम इवेंट इनकम्प्लीट स्टेट का, जो उस समय हो रहा था। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा था पिछली क्लास में, वो वीडियो डिलीट हो गया, पिछली वाली क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं ना, वो रेगुलर एक्शंस के लिए भी होते हैं। तो हम इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि डिड का मतलब ये भी हो सकता है कि ये फ्रीक्वेंट इवेंट हो, कोई फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार होने वाली घटना हो पास्ट की, ठीक है। मान लो किसी पर्सन की कोई ऐसी जॉब है कि उसको 3 बजे करना पड़ता है, मान लो उसको दवा खिलानी है किसी पेशेंट को, ठीक है, वो उसका नर्स है या जो भी है, तो उसको 3 बजे उसको दवा खिलानी होती है, तो वो कह सकता है डिड माई वर्क एट 3 PM कि मैं अपना काम 3 बजे करता था। तो ये फ्रीक्वेंट इवेंट भी हो सकता है। अब जब हम इसको पॉइंट से रिलेट करेंगे तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आप डिड लिख दो, आप वॉज डूइंग लिख दो, इधर इज करेक्ट। वॉज डूइंग लिख दोगे तो हम मान लेंगे कोई ऐसा एक्शन था जो उस 3 PM पॉइंट पे कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था, बाद में जाके कंप्लीट हुआ होगा। अच्छा, डिड लिख देंगे तो हम ये मान लेंगे कि वो एक्शन कोई ऐसा रहा होगा जो 3 PM पे कंप्लीट हो गया होगा, देन। अच्छा, अगर हम यस्टरडे लिख दें तब क्या होगा? अब यस्टरडे लिखने पर यहाँ पे एक छोटा सा सिचुएशन ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे डू माई वर्क है, कि मैंने अपना काम किया, 10 मिनट का काम था, 5 मिनट का काम था, 5 घंटे का काम था, मैं कहता हूं, ठीक है। तो हमें पता है यस्टरडे जो है ना, यस्टरडे इक्वल्स 24 आवर्स, एवरीवन नोज इट, ये तो सबको ही पता है, ये सबको पता है कि यस्टरडे का मतलब 24 आवर्स होता है। एवरीडे इक्वल्स 24 आवर्स, हर एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। तो मान लेते हैं ये वो 24 घंटे हैं, ये यस्टरडे है, ठीक है, और ये 24 आवर्स है। अब इन 24 आवर्स में इस पर्सन ने अपना काम किया, अब इसने जो काम किया वो 1 घंटे का था, 2 घंटे का था, 3 घंटे का था, 4 घंटे का था, मैं कहता हूं 5 घंटे का था, ठीक है। तो यस्टरडे में जो 24 आवर्स हैं वो 5 घंटे कौन से, वो हमें पता नहीं है। मतलब हम नहीं बता सकते विच 5 आवर्स, भाई उसने काम किया 5 घंटे, वो 5 घंटे यस्टरडे में इंक्लूडेड हैं, लेकिन वो 5 घंटे कौन से हैं वो हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो चूंकि हमें पता ही नहीं है तो हम यहाँ पे केवल इंडेफिनिट टेंस लिख पाएंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। हम यहां पे केवल इंडेफिनिट टेंस लिख पाएंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिख पाएंगे, ठीक। अब आ जाते हैं इसमें, इसमें देखें तो क्या होगा, हमने लिखा आई डिड माय वर्क एट 3 PM यस्टरडे। अब यहां पे देखो, ये यस्टरडे जो है ये 24 आवर्स है, डिड माय वर्क जो है वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का कोई काम है, ठीक है। तो अगर हम एट 3 PM ना लिखें तो यह सही है, लेकिन अगर हम एट 3 PM लिख दें तो यस्टरडे में एक पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया 3 PM, और हम कह रहे हैं कि ये एक्शन इस 3 PM पॉइंट पे वैलिड था, प्रोसेस में था। तो अगर हम पॉइंट को डिफाइन कर दें जिससे वो एक्शन रिलेटेड है, तो फिर अब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे, वॉज डूइंग माई वर्क। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आया तो भी मैं एक बार समझा देता हूं, ठीक है। हाँ सर, एट 3 PM और यस्टरडे एक साथ नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे, लिखा तो है एट 3 PM यस्टरडे, एट 3 PM यस्टरडे बच्चे एक साथ ही तो लिखा है। SSC के लिए आपसे पढ़ना हो तो आपका सीक्वेंस क्या रहेगा? देखो बच्चे, आप बात को समझ नहीं रहे हो, आप मेरे से एक सीधा सा आंसर चाह रहे हो, मैं केवल झूठ बोल के आपसे पीछा छुड़ा सकता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सच तुम मेरा समझ नहीं रहे हो, ठीक है। मेरे पास केवल एक ऑप्शन है कि मैं एक झूठ बोलूं और तुम उससे सेटिस्फाई हो जाओ और तुम अपना क्वेश्चन पूछना बंद कर दो। देखो मैं अगर अपनी बात होता हूँ, जब मैं क्लासरूम बैचेस पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा सीक्वेंस होता है अलग, मैं अलग सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ सिलेबस, ठीक है। लेकिन जब मेरा ऑनलाइन बैचेस होते हैं मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ एक अलग सीक्वेंस में। तो एवरीथिंग डिपेंड्स भाई, लाइफ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग हैज गॉट सम ग्रे एरियाज, हर एक में कुछ ना कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, कोई चीज़ इतनी क्लियर कट नहीं होती है,
कोई भी चीज इतनी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है कि आप उसको हाँ ना में इतनी जल्दी आंसर दे दो, ठीक है? आप झूठ बोल के आंसर देना चाहते हो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर सच बताना चाहते हो तो उसके लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं, वो ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो जब मैं अपनी क्लासरूम बैचेस पढ़ाता हूँ तो वहां पे मैं एक अलग सीक्वेंस यूज करता हूँ, क्योंकि मैं वहां पे बच्चों के दिमाग को ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यूज करवा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं उनके चेहरे देखकर उनकी शक्ल देखकर ये जान जाऊंगा ये समझ रहे नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे होंगे तो मैं पूछ लूंगा फिर समझा लूंगा, ठीक है? लेकिन जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे आपके सामने होते नहीं, आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आइडिया लगा नहीं सकते कि आपकी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? तो फिर मैं अपना सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ। तो इसका आंसर यही है कि हम कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाएंगे, सीक्वेंस हमारे चैप्टर्स का क्या होगा, वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो बच्चों को, लाइव मतलब ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, ठीक है, या आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को किस एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ा रहे हो, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उनका अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो तो आपका अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलो अब मैं एक बार फिर से सारी बात समझाता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करना, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको फिर से ध्यान से समझना। मैं पहले एक बार तुम्हें सिचुएशन समझा देता हूँ, ठीक है? हम पहले मेंस के बैच बनाते थे क्लासरूम में, तो मैंने एक दो बार अपने मेंस के बैच क्लासरूम में बनाए, सीजीएल टीयर टू के और सीपीओ टीयर टू के, तो मैंने प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दिया। हम टीयर वन के बैचेज में सोच भी नहीं सकते कि प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और तो बच्चे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिन पे काम करता है, आपको सारी सिचुएशंस को स्टडी करके ना फिर एक डिसीजन लेना चाहिए कि आप क्या हो, आप जिन्हें पढ़ा रहे हो वो क्या हैं, और आप ये एक जगह क्यों इकट्ठे हुए हो, उसके बाद डिसीजन लो। चलो आ जाओ मैं सिचुएशन समझाता हूँ, पहले बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक ही टाइम लाइन है, ये हमारा स्पीकर है, जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं कि भाई स्पीकर के अपनी जो लोकेशन हो या पोजिशन होती है टाइम लाइन पे, वो हमेशा प्रेजेंट होता है, उसके आगे सब फ्यूचर होता है, उसके पीछे सब पास्ट होता है। अभी तक हमने जो पिछली क्लासेज में सिचुएशन डिस्कस की उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पास्ट का एक पॉइंट होता था और उस पॉइंट पे इफेक्टिव एक्शन को हमें किसी टेंस में लिखना होता था, ठीक है? तो हमने पढ़ा कि जब किसी पॉइंट पे इफेक्टिव एक्शन को हमें पास्ट के लिखना होता है तो हमारे पास वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पास्ट इंडेफिनिट लिख दें या पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिख दें। पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे तो उसका मतलब ये माना जाएगा ये वन टाइम एक्शन है और कंप्लीट है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिख देंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा ये एक वन टाइम एक्शन है लेकिन इनकम्प्लीट है। लेकिन हमने पढ़ा था वहां पे एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी होती है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कई बार हम उसको बच्चे उसको इग्नोर कर जाते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया एक्शन कोई फ्रीक्वेंट एक्शन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं वो वन टाइम इवेंट होगा, वो कोई फ्रीक्वेंट भी हो सकता है, ठीक है? आज हम उस सिचुएशन से ना एक दूसरी सिचुएशन को मतलब डिफरेंट सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पास्ट का एक पॉइंट है ए, मान लेते हैं ये पॉइंट है 3 PM और ये पॉइंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का पॉइंट है, वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब 24 आवर्स, तो 24 आवर्स ड्यूरेशन हो गई और 3 PM उस ड्यूरेशन का एक पॉइंट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि वो एक्शन जो 3 PM पे इफेक्टिव है उसको हमें टेंस में लिखना है और हमें उसको रिलेट करना है एक बार पॉइंट 3 PM से और एक बार ड्यूरेशन 24 आवर्स यस्टरडे से। अब हम उसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है? अगर आप इलीट लेवल के लर्नर हो, अगर आपको लगता है कि आपने इंग्लिश को अच्छे से मतलब बेसिक्स क्लियर कर रखे हैं, फंडामेंटल क्लियर कर रखे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए और आपको इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आप ये मानते हो कि आप इलीट लेवल के काबिल हो और इलीट लेवल के लिए आप तैयार हो, ठीक है? ये है। हाँ सर, आप ऑनलाइन में स्लो पढ़ा, असल में बच्चे ऑनलाइन में ना स्लो पढ़ाना मजबूरी होती है। हाँ, ऑनलाइन बैचेज में स्लो पढ़ाना मजबूरी होती है क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में मेरे हाथ में सब कुछ होता है, पूरी कंट्रोल मेरे हाथ में होती है। क्लासरूम में मैं जिसको चाहूँ वैसा सिखा लूंगा और जैसे चाहूँ वैसा सिखा लूंगा, डांट डपट के। अगर बच्चा कोई बहुत बदतमीज नहीं है, ढीठ नहीं है, तो मैं उसको अनसंट कह के, उसको डांट धमक के, उससे क्वेश्चन पूछ ताकि उसे सिखा लेता हूँ, ठीक है? तो स्पीड मेंटेन रहती है। ऑनलाइन में बच्चे होते नहीं, अपने सामने नहीं होते, तो इसीलिए थोड़ा स्लो ही रहना पड़ता है। खैर छोड़ो वो सारी बातें, अब यहाँ पे आ जाओ। तो ये जो एक्शन हुआ है ए पॉइंट पे, जब हम इसको लिखेंगे तो देखो हमारे पास क्या क्या तरीके होंगे, मैं बता रहा हूँ। एक हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं पॉइंट के साथ, आई डिड माई वर्क एट 3 PM, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM, एट 3 PM एक पॉइंट है। तो अगर हम पॉइंट से रिलेट करेंगे तो हम इस एक्शन को इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं और कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं। इंडेफिनिट में लिखेंगे तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक्शन वन टाइम एक्शन है, कंप्लीट। कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे तो ये मानना पड़ेगा वन टाइम एक्शन है, इनकम्प्लीट, जो बाद में जाके कंप्लीट हुआ होगा उस पॉइंट के, ठीक है? या फिर हम ये भी मान सकते हैं ये कोई पास्ट का रेगुलर इवेंट है, फ्रिक्वेंट इवेंट है।
चलो अगर हम उस एक्शन को पॉइंट से ना रिलेट करें, 3 PM से ना रिलेट करें, ड्यूरेशन से रिलेट करें, क्योंकि यस्टरडे जो है ना वो ड्यूरेशन है 24 आवर्स की, तब हम क्या करेंगे? तब हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों नहीं, क्यों लिखेंगे वो मैं यहां से समझा रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो यस्टरडे है ना ये 24 आवर्स की ड्यूरेशन है। जिस पर्सन ने एक काम किया वो काम 24 आवर्स का तो होगा नहीं, इतना तो हमारा कॉमन सेंस है, वो काम 1 घंटे का होगा, आधा घंटे का होगा, 15 मिनट का होगा, 2 घंटे का होगा, 5 घंटे का होगा। तो अगर हम ये मान लें कि वो काम जो उसने किया वो 5 घंटे का काम था, ठीक है, तो वो 5 आवर्स इन 24 आवर्स में से कौन से हैं वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। भाई देखो 12 मिडनाइट से नेक्स्ट 12 मिडनाइट तक ये 24 आवर्स जो हैं ये स्टडे हैं। अब इसमें वो 5 आवर्स कौन से हैं जिनमें ये काम किया वो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अगर हम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को या उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते जहां पे एक्शन प्रोसेस में होगा तो हमें इसको इंडेफिनिट मानना पड़ेगा क्योंकि हम इसको टाइम से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम से इसको लिमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे डिड। कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर मान लो हम वो पॉइंट लिख दें एट 3 PM स्टार्ट, तो देखो हमने वो पॉइंट जो इस ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब ये काम करने वाला एक्शन जो है ना वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव था। तो जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे वो एक्शन इफेक्टिव था मेंशन कर देंगे तो हम इंडेफिनिट नहीं कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये एक्शन डेफिनेट हो गया, अब ये इंडेफिनिट नहीं रहा, अब ये एट 3 PM लिख देने से डेफिनेट हो गया, तो हम लिखेंगे आई वॉज डूइंग माई वर्क एट 3 PM स्टडी। खैर अब मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें समझाता हूं जो आसान होगा और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा और तुम वो पेपर में भी आता है, हालांकि वो आसान है कंपेरेटिवली, इलिट लेवल का तो नहीं है, लेकिन उससे तुम ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं ना जल्दी समझ जाओगे। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, बेटा यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं, 3 PM के रिस्पेक्ट में उसको ड्यूरेशन मानना पड़ेगा। जब आप 3 PM लिखोगे ना तो 3 PM पॉइंट हो जाएगा, जैसा कि हमने नहीं लिख रखा ये 3 PM एक पॉइंट है और यस्टरडे हम एक ड्यूरेशन मान रहे हैं जो उसके रेस्पेक्ट में है। इस तरीके से एक चीज सोचो, अगर यस्टरडे पॉइंट है तुम मान रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से तो 2020 भी एक पॉइंट है, 2019 भी पॉइंट है, भाई 2019 इज अ ईयर, दैट इज द रिप्लाई ऑफ व्हेन, दैट इज अ पॉइंट। लेकिन ये हर एक चीज रिलेटिव होती है, मेरी बात समझा करो, ठीक है, किसी एक चीज को याद कर लेते हो ना ऐसा मत माना करो कि जो तुमने याद कर लिया हमेशा सही रहेगा, वो वेरिएबल होता है, वो वेरी करता रहता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, तो देखो वॉचिंग मूवी जो है ना ये एक एक्शन है, अगर हम इस एक्शन की ड्यूरेशन देखें तो 2 आवर्स या 3 आवर्स, मैं कहता हूं 4 आवर्स बहुत बड़ी कोई मूवी होगी, तो ये जो वॉचिंग अ मूवी एक्शन है ना हमारा, इसकी अपनी ड्यूरेशन 2 या 3 घंटे होगी। मूवी हम देखते हैं, मान लो कोई मूवी हो गई 2 घंटे की, छोटी मूवी होती है, ठीक है, कोई 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे देख ली, ऐसा हो गया। तो ये जो वॉचिंग मूवी हमारा एक्शन है इसकी अपनी ड्यूरेशन होगी 2 या 3 आवर्स, लेकिन इस एक्शन को हम रिलेट कर रहे हैं जिस टाइम से, वो है यस्टरडे। अच्छा यस्टरडे डे है और इसकी अपनी मतलब ड्यूरेशन होती है 24 आवर्स, तो जैसे ये यस्टरडे हो गया 24 आवर्स और हम कह रहे हैं कि यस्टरडे हमने एक मूवी देखी, अब वो जो मूवी हमने देखी वो 2-3 घंटे का इवेंट है, वो 2-3 घंटे मतलब हम मान लेते हैं 3 घंटे का काम है मूवी देखना, हम एक डेफिनेट ड्यूरेशन मान लेते हैं कि मूवी देखना 3 आवर्स का एक्शन है, कि 3 आवर्स मूवी आई और हमने देखी। अब वो 3 आवर्स इन 24 आवर्स में से कौन से हम ये डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि भाई हमने सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मूवी देखी, या 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आफ्टरनून में देखी, या शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक देखी, वो 3 आवर्स कौन से वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। चलो तो ये इंडेफिनिट टेंस ही हो गया, जब आप डिफाइन ही नहीं कर सकते विच टाइम, देन टेंस गोज इंडेफिनिट, तो टेंस आपका इंडेफिनिट हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, चलो बढ़िया है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अब मैं यहां पे लिख देता हूं एट 5 PM आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM स्टडे। अब जैसे ये स्टडे पूरे 24 आवर्स है और इसमें हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया 5 PM, हम मान लेते हैं 5 PM ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया 5 PM, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक्शन इफेक्टिव था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि एक एक्शन है जो इस पर्टिकुलर 5 PM पे इफेक्टिव है, ठीक है। अब देखो ये एक्शन डेफिनेट हो गया,
हमने इसको टाइम से डिफाइन कर दिया, लिमिट कर दिया कि वो एक्शन इस 5 PM पॉइंट पे इफेक्टिव था। अच्छा, वॉचिंग मूवी जिस तरीके का एक्शन है वो तुम्हें पता ही कि 2 या 3 आवर्स का एक्शन है, तो 2 या 3 आवर्स का एक्शन है इसका मतलब वो इससे आगे भी होगा, इससे पीछे भी होगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी उसकी स्टेट होगी इनकम्प्लीशन की। तो अब हमें लिखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉज वॉचिंग। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें अगर समझ में आ जाए तो। फिर बच्चे को 24 आवर्स का नहीं, क्या नाम है इसका, टायरो टॉक। तो बच्चे फिर वो 24 आवर्स का नहीं, फिर वो एक्शन होना चाहिए 24 आवर्स से ज्यादा का। हाँ, फिर वो 24 आवर्स से ज्यादा का ड्यूरेशन होना चाहिए एक्शन, ठीक है। देखो पता नहीं तुम लोग टेंस के फंडामेंटल तुम लोग या तो क्लियर नहीं थोड़े से। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं ना यस्टरडे, तो यस्टरडे का मतलब ये हो गया कि जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना अब वो इफेक्टिव नहीं है, दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव। क्योंकि अगर वो अब इफेक्टिव होता ना तो हमें यस्टरडे लिखना या बोलना नहीं पड़ता। अच्छा, अब तुम कह रहे हो कि अगर मान लो वो 24 आवर्स का ही एक्शन हो जो उसने परफॉर्म किया है, तो हम जब उसको यस्टरडे से रिलेट करके कहेंगे तो क्या हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना चाहेंगे ना तो इसका मतलब वो जो 24 आवर्स है ना यस्टरडे के, वो एक्शन इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट का मतलब वो इस 24 आवर्स में नहीं, इसके बाद में जाके कंप्लीट होगा। यस्टरडे के बाद में आ जाता है टुडे, टुडे होता है प्रेजेंट। अगर टेंस प्रेजेंट होगा तो आप यस्टरडे मेंशन क्यों करोगे? तो दैट गोज इलॉजिकल, वो प्रॉपरली इलॉजिकल है, वो आप कैसे भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं फिर से समझा देता हूँ कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो हमें किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के एक्शन को किसी लॉन्गर ड्यूरेशन के टाइम से रिलेट करना है, तो जब लॉन्गर ड्यूरेशन का टाइम होगा और उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन का एक्शन होगा तो हमें उसको इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा, अगर हम ये ना बता पाए कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन उस लॉन्ग ड्यूरेशन में कहां से कहां तक है। गुड, चलो ये समझ में आ गया। अब मान लो कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन कर दें कि उस लॉन्गर ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर वो एक्शन इफेक्टिव था, तो जब हम पॉइंट लिख देंगे ना तो फिर वो एक्शन हो जाएगा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब या तो कॉन्टिन्यूअस होता है या परफेक्ट होता है, जो टेंस के हमारे पुराने वीडियो नेट पे पड़े हुए हैं वो तुम लोगों ने देखे होंगे तो जान गए होंगे, तब हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख देंगे। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलो एक मिनट, तो ये सिचुएशन वन थी, इसको तुमने समझ लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे। सिचुएशन फोर देखो, ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। ये हमारा स्पीकर है, स्पीकर का मतलब ये पॉइंट प्रेजेंट है, इसके आगे सब फ्यूचर है, ठीक है, और इसके बैक सब पास्ट है। ये पास्ट क्यों लिखे हम, ये तो हमें पता ही, इधर पास्ट होगा और स्पीकर है तो ये प्रेजेंट होगा और ये फ्यूचर होगा, ठीक है, इतना हमें पता है सेंस से, अपने कॉमन सेंस से, ठीक है। अब देखो, ये एक पॉइंट है पास्ट में, ठीक है, यहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ यहां पे, ध्यान देना, और वो एक्शन जो यहां पे स्टार्ट हुआ वो इस पॉइंट तक जहां पे हमारा स्पीकर है इफेक्टिव है, मतलब वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट तक इफेक्टिव है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हम मान लेते हैं ए है, 3 PM, या ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, मान लेते हैं ये पॉइंट है 3 PM, ठीक है। स्पीकर का जो अपना एग्जिस्टेंस होता है प्रेजेंट, हमने कहा कि प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉइंट ही होता है, वो ड्यूरेशन नहीं होता, तो हम मान लेते हैं जो स्पीकर का अपना पॉइंट है ना, हाँ, स्पीकर का जो अपना पॉइंट है ये है 6 PM, ठीक है, और इस 3 PM और 6 PM के बीच का जो गैप है जिसे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहेंगे ये है 3 आवर्स, भाई 3 PM टू 6 PM 3 आवर्स हो गया। अब हमें इस एक्शन के बारे में बताना है, मैं देखो फिर से बता देता हूँ, हमारा स्पीकर जो है वो यहाँ है, स्पीकर की जो अपनी लोकेशन होती है टाइमलाइन पे वो हमेशा प्रेजेंट होती है, तो हम मान लेते हैं ये प्रेजेंट पे जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा स्पीकर एग्जिस्ट कर रहा है ये है 6 PM, ठीक है। फिर पास्ट के एक पॉइंट 3 PM पे एक एक्शन स्टार्ट हुआ और वो जो एक्शन वहाँ स्टार्ट हुआ वो एंड नहीं हुआ, वो कंटिन्यू है उस पॉइंट तक जहाँ पर हमारा स्पीकर है, मतलब प्रेजेंट तक वो एक्शन कंटिन्यू है, इफेक्टिव है, ठीक है। वो एक्शन पास्ट में 3 PM पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, 6 PM पॉइंट पे जहां हमारा स्पीकर है वहां तक इफेक्टिव है, और इन दोनों के बीच में जो नेचुरली है 3 आवर्स की एक ड्यूरेशन है। अब हमें इस एक्शन को जो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक इफेक्टिव है टेंस में लिखना है। आप कैसे लिखोगे? अच्छा, मैं फिर से बता देता हूं, एक्शन है डू माई वर्क। आप इसको किस किस टेंसेज में कैसे कैसे लिख पाओगे बस ये बताओ।
आई सॉ हिम एट 3 PM स्टरडे। सही है बच्चे, ये सही है। भाई ये कौन बच्चा है, इसने कोशिश बड़ी अच्छी की है लेकिन फिर वही। एक तुमने मूवी देखी, क्या नाम कहते हैं उसे, बदला, एक बदला मूवी देखी तुमने? अगर जिन बच्चों ने देखी है तो वो जल्दी समझ जाएंगे जो मेरा एग्जाम्पल है, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। मैं मूवीज वगैरह थोड़ी ज्यादा देखता हूँ, ठीक है। देखो ए इक्वल्स, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। ए इक्वल्स ई, बी इक्वल्स एफ, सी इक्वल्स जी, एच, ई इक्वल्स डैश, ब्लैंक बता दो। तो मतलब ये मैं एक बच्चे का आंसर है, मतलब एक क्वेश्चन है उसको आंसर कर रहा हूं कि हमसे क्या गलतियां होती हैं, ठीक है, जब हम खो जाते हैं, ठीक है, तो हमसे गलतियां क्या होती हैं। वी हैव टू बी अवेयर, लर्नर हो हर समय अवेयर रहना चाहिए। आप फंडामेंटल थोड़ी भूल सकते हो, फंडामेंटल भूल जाओगे तो फिर सीखोगे क्या, फिर तो चक्कर घन्नी से घूमते रहो, सीखते रहो, भूलते रहो, सीखते रहो, भूलते रहो, बस इसी में लगे रहो, ठीक है। फिर तो एक ऐसी हालत हो जाती है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कन्फ्यूज होगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कन्फ्यूज होगे। आप फंडामेंटल शुरू से सीखते हो, आपको वो नहीं भूलने चाहिए, उनको नहीं भूल सकते भाई किसी हालत में। वो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, हर समय उनको आपको दिमाग में रखना चाहिए। यू शुड बी इन ए स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑल द टाइम, हर 24 घंटे आपको अवेयरनेस के स्टेट में रहना चाहिए। हाँ तो क्या आंसर लिखा तुम लोगों ने, ए इक्वल्स सी, बी इक्वल्स एफ, सी इक्वल्स जी, डी इक्वल्स एच, ई इक्वल्स आई, नसरा गैली। तेरे से भाई मेरे को उम्मीद भी यही थी तू आई ही बोलेगा, ठीक है। हाँ एफ नहीं बच्चे, ये ई है, ई है, ई एफ लग रहा होगा, मैं ई है। कायदे से तो आई भाई, कायदे से तो आई क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं ई एफ जी एच बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज देखो, ये तो पहले ही बताया जा चुका है ए इक्वल सी, तो ई इक्वल्स ए हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये कोई मेरे को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, ये बदला मूवी में क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन तापसी पन्नू से पूछता है, ठीक है। खैर ये क्वेश्चन क्या याद दिलाता है, मैं एक चीज और बताता हूं, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं फिर बताना। 2 + 2 / 2, ये भी एक मूवी का ही डायलॉग है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी एक मूवी का डायलॉग है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इससे इन दोनों जो मैंने तुमसे पूछे ना मूवी के रेफरेंस में दोनों क्वेश्चन पूछे, इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा कि हमसे गलती कहां हो जाती है। जब हम इतनी मेहनत से चीजों को सीखते हैं समझते हैं तो हम चूक कहां पे जाते हैं, ठीक है, हमसे गलती कहां पे होती है। टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, एक मिनट लिखा ही नहीं मैंने वो, देखो 2 + 2 / 2, टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, ये एक न्यूटन मूवी है राजकुमार राव की, अच्छी मूवी है, तुम लोगों ने ना देखी हो तो एक बार देखना, ये उसका डायलॉग है। अब क्या रहेगा, जैसे हमें हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई 4 हो गया और 2 से डिवाइड करा तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। बट एक्चुअली बॉड मास के हिसाब से तो डिवीजन कम्स फर्स्ट, डिवीजन तो पहले करना पड़ता है, तो अगर हम डिवीजन पहले करना पड़ेंगे तब तो ये आंसर 3 आ जाएगा। तो हम फंडामेंटल्स नहीं भूल सकते, दिक्कत ये है कि यू कांट फॉरगेट द फंडामेंटल्स, आप फंडामेंटल कैसे भूल जाओगे। एक बच्चे, ये बातें मैंने क्यों बताई, ये बात मैंने इसलिए बताई कि एक बच्चे का बीच में क्वेश्चन आया था कि आई सॉ हिम एट 3 PM,
तो मैं उसको समझाना चाहता हूं कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस डोंट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो तुमने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन अब जरूरत पड़ने पे तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, तुम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट द इन द स्टेट ऑफ अवेयरनेस. तुम अवेयरनेस की स्टेट में नहीं हो, ठीक है? तो आप फंडामेंटल्स नहीं बोल सकते भाई. जो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती है, जो नॉन एक्शन मतलब नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, आप उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस बना ही नहीं सकते. वो तो बात ही खत्म हो गई, वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, उसको यहाँ पे क्यों जोड़ रहे हो? ठीक है, डू माई वर्क एक्शन जो है ये एक्शन है ना, डू माई वर्क एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हैं. अब वो सौ वर्ब को वहां पर अप्लाई कर रहा है, सौ वर्ब तो तुम फंडामेंटल भूल गए भाई. दैट इज अ नॉन एक्शन वर्ब, इट कांट बी यूज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस. नॉन एक्शन वर्ब्स में कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती नहीं, परसेप्शन के वर्ब्स के कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनते. ठीक है, तो तुम्हारी यही कहानी है कि तुम 2 + 2 / 2 का आंसर बता दोगे 2, क्योंकि तुम फंडामेंटल भूल जाते हो तब तक. चलो तो देखिए, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, मैं जो तुम लोगों से पूछना चाह रहा हूं या जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसको अभी तुम लोगों ने आंसर किया भी है. देखो, ये हमारा स्पीकर है यहां पे, जो कि एक प्रेजेंट पॉइंट है, ठीक है, एक पास्ट का पॉइंट है 3 PM, और प्रेजेंट का पॉइंट जहां पे हमारा स्पीकर है वो है 6 PM. ठीक है, प्रेजेंट के पॉइंट 3 PM पे एक एक्शन स्टार्ट हुआ, और वो एक्शन पास्ट में खत्म नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट में उस पॉइंट पे जहां पे हमारा स्पीकर है इफेक्टिव है. ठीक है, और प्रेजेंट के उस पॉइंट पे जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट के इस पॉइंट पे जहां तक एक्शन मतलब इफेक्टिव है, पास्ट के पॉइंट से सॉरी प्रेजेंट के पॉइंट तक 3 आवर्स की ड्यूरेशन इस एक्शन ने कवर कर लिया है, और ये एक्शन है डू माई वर्क. अब हमें इस एक्शन को टेंस में लिखना है, इसके लिए हम सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर यूज करें, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, फ्रेजेस पे क्लास रख लेते हैं, बिल्कुल बच्चे फ्रेजेस पे भी क्लास रखेंगे, बहुत अच्छा हूं बच्चा डोरेमोन. अब देखो मैं समझाता हूं, इसका आंसर तुम्हें देता हूं, हम लोगों का ज्यादा टाइम नहीं है. देखो, अगर कोई एक्शन पास से लेके प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो ना, तो ये जो टाइम होता है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट. ये हमेशा ध्यान रखना. देखो, पास्ट प्लस प्रेजेंट, अगर हम किसी ऐसे टाइम के बारे में बात करें जिसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों इंक्लूडेड हो, तो इसका जो टेंस होता है ना वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट. ये ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से कोई भी हो सकता है वैसे. तो अगर कोई एक्शन ऐसा हो जिसमें पास्ट का और प्रेजेंट का दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो न केवल पास्ट होगा न केवल प्रेजेंट होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब जैसे हम यहां पे देखें, तो ये जो एक्शन है इसका जो टाइम है ये पास्ट टू प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें लिखना पड़ेगा. अब देखो हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, वो मैं समझा देता हूं. एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क. ठीक है, यहां तक आ गया. अब देखो, ये जो 3 PM है ये पॉइंट है, अगर हमें उस पॉइंट को जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है रेफर करना हो, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं सिंस. तो हम लिख सकते हैं सिंस 3 PM. एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 PM. दूसरा, ये जो ड्यूरेशन है, जितनी ड्यूरेशन वर इसने अपना काम कर लिया वो 3 आवर्स. तो अगर हम ड्यूरेशन मेंशन करना चाहेंगे तो हमें फॉर प्रिपरेशन यूज करके ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर 3 आवर्स. आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 3 PM, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 3 आवर्स. तो हम इसको एक तो इन दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. हाँ, दूसरा देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरा हम इसको चाहें तो परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, आई हैव डन माई वर्क. ठीक है, यहां तक आई हैव डन माई वर्क. अब जब आप आई हैव डन माई वर्क लिखोगे ना, तो ध्यान से देखो ये परफेक्ट टेंस है, हैव डन. तो अगर ये परफेक्ट टेंस है ना, तो सिंस का यूज मत करना, क्योंकि सिंस का यूज हम तभी करते हैं जब एक्शन हमारा इनकम्प्लीट स्टेट में हो. ठीक है, परफेक्ट टेंस लिखा है ना, तो यहां पे लिखना फॉर 3 आवर्स. और देखो मैं समझा देता हूं फिर से, अगर यहां पे सिंस 3 PM लिखोगे, ठीक है, अगर सिंस 3 PM लिखोगे तो ये हो जाएगा गलत, और फॉर 3 आवर्स लिखोगे वही सही होगा. अब रह गई बात ये कि ये परफेक्ट टेंस गलत क्यों हो गया. ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूं कि हमारे यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो हमने अपने क्लासरूम बैच में टेंस डिस्कस किया था, डेमो वगैरह में जनरली क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो टेंस से स्टार्ट करते हैं, तो वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. आप उनको डिटेल से देखोगे तो भी समझ जाओगे, नहीं तो मैं बता देता हूं. जब हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं ना ड्यूरेशन के साथ में, तो एक्चुअली ये कंप्लीशन एक्शन का नहीं होता है, ये कंप्लीशन ड्यूरेशन का होता है.
जैसे हमने फॉर 3 आवर्स लिखा ना, तो फॉर 3 आवर्स एक ड्यूरेशन है भाई, 1 आवर 60 मिनट का होता है, मान लो 60 मिनट्स ये हो गए तो ये 1 आवर हो गया पूरा, फिर 60 मिनट्स और हो गए तो ये 2 आवर्स हो गए, अब फिर 60 मिनट्स और भी हो गए तो ये 3 आवर्स हो गए। तो जब हम परफेक्ट टेंस ड्यूरेशन के साथ में लिखते हैं ना, एक्चुअली इट इज द रेफरेंस टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम, नॉट द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। तो जब हम हैव डन माई वर्क फॉर 3 आवर्स लिखेंगे तो इसका मतलब द एक्शन इज स्टिल इफेक्टिव, द एक्शन इज स्टिल इफेक्टिव, एक्शन हमारा अभी भी इफेक्टिव है, प्रोसेस में है, इट हैजंट डिसकंटिन्यूड, ये अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हमने परफेक्ट टेंस क्यों लिख दिया, तो हम बताते हैं वो परफेक्ट टेंस जो होता है वो रेफर करता है कंप्लीशन ऑफ टाइम को। अच्छा, टाइम का कंप्लीशन तभी हो सकता है जब वो ड्यूरेशन में हो, पॉइंट में दिए गए टाइम का कंप्लीशन नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पता है कि पॉइंट्स हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, नो डेप्थ। तो जैसा कि सबको पता है कि पॉइंट एक 0 डिग्री मतलब 0 रेडियस का सर्कल होता है, तो पॉइंट में कोई डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट ब्रेथ होती नहीं है, तो पॉइंट का कंप्लीशन नहीं हो सकता। तो हम परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ में। तो फॉर 3 आवर्स जो ड्यूरेशन है उसके साथ हम परफेक्ट टेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिंस 3 PM जो कि एक पॉइंट है जहां से एक्शन स्टार्ट होता है, उसके साथ आप परफेक्ट टेंस नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसमें कंप्लीशन का कोई रेफरेंस नहीं है, उसमें रेफरेंस बस इतना है कि एक्शन कहां से स्टार्ट हुआ। तो परफेक्ट टेंस के साथ में आप मतलब ड्यूरेशन के साथ में आप परफेक्ट टेंस भी लिख सकते हो, और सिंस के साथ में केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस, हाँ नहीं बच्चे ये सही नहीं है, मैं झूठ में तुम्हें खुश करने के लिए बोल दूं अलग बात है, ये सही नहीं, इसको लिखो आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 1947, ये लिखो इसे, ठीक है। मैं भी इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, मैं फिर से देखो एक और बता देता हूं जो बेसिक बातें हैं जो अभी तुम्हें ध्यान रखनी है। अगर कोई एक्शन पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो तो ना वो पास्ट का होता है ना वो प्रेजेंट का होता है, वो पास्ट प्लस प्रेजेंट का होता है, और इस तरीके के टेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली होता क्या है कि जब हम परफेक्ट टेंस लिखते हैं, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, तो हम वहाँ पे पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं जहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ होता है सिंस के साथ में, या ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हैं फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस लिखा हो, जैसे यहाँ पे हमने हैव डन लिखा है, तो परफेक्ट टेंस लिखे होने पे आप सिंस का यूज मत करना, केवल फॉर का यूज करना। सिंस का यूज हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिंस से हमें कंप्लीशन का पता नहीं चलता, बिगिनिंग का पता चलता है। ये सबको पता है कि सिंस प्रीपोजिशन टाइम के उस पॉइंट को रेफर करती है जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है, कंप्लीशन को वो रेफर नहीं करती, तो हम उसके साथ में परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते। फॉर जो ड्यूरेशन होती है उसको हम परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन का कंप्लीशन हो सकता है, जैसे हमने इस एग्जांपल से समझा फॉर 3 आवर्स, तो 3 आवर्स इज द टाइम ड्यूरेशन है, टाइम की ड्यूरेशन है। अब हमें पता है 1 आवर 60 मिनट्स का होता है, तो अगर 60 मिनट्स हो गए तो 1 आवर कंप्लीट हो गया, और 60 मिनट हो गए तो 2 आवर्स कंप्लीट हो गए, और 60 मिनट्स हो गए तो 3 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो अगर हमने ड्यूरेशन लिख रखी है ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन के साथ में, तो आप परफेक्ट टेंस लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस आप मत लिखना। सिंस लिख रखा है तो आप जो चाहे लिखो। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, देखो समझना। अब वो जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था ना, मैं वही समझा देता हूं उसको, देखो। आई हैव बीन रीडिंग 3 स्टोरीज सिंस 9 AM। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना, एक बार इसके बारे में बताओगे कुछ? आई हैव बीन रीडिंग 3 स्टोरीज सिंस 9 AM। एक और लिख देता हूं, आई हैव बीन ओनिंग दिस कार सिंस 2000, एक मिनट, सिंस 2012, ठीक है। अब एक बार मुझे ये बता दो, आर दीज 2 सेंटेंसेस करेक्ट और नॉट? सिंस भैया पास्ट इंडेफिनिट में नहीं यूज हो सकता, या तो आप पास्ट परफेक्ट में यूज करोगे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में सिंस का यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो अभी हम एक और सिचुएशन डिस्कस करेंगे तो उसमें जान जाओगे, ठीक है। सिंस का यूज पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता, टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल होता वो भी एक मैं और मतलब एक सिचुएशन और डिस्कस करूंगा तो आप जान जाओगे।
ये वीडियो कब अपलोड करेंगे? बस बच्चे यहाँ से वीडियो ये स्टॉप करेंगे, जैसे ही हम एंड स्ट्रीम करेंगे और ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। एंड नाउ सी, यू हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट बोथ आर करेक्ट, सम आर सेइंग दैट बोथ आर इनकरेक्ट, सम आर सेइंग फर्स्ट इज रॉन्ग सेकेंड इज करेक्ट, सम आर सेइंग फर्स्ट इज करेक्ट सेकेंड इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूं, देखो यहां पर समझना। अगर इस सेंटेंस में हम ये ना लिखें, मान लो देखो अगर हम इस सेंटेंस में थ्री स्टोरीज ना लिखें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया ये रीडू कैसे होगा ये? चलो ये बड़ा इशू है, मिटाना हो तो कैसे मैं मिटाऊं? एक मिनट अभी हो जाएगा। बहुत स्लो प्रोसेसिंग है तो एक मिनट बच्चों होल्ड पे रहना, असल में मैं ज्यादा मिटाना नहीं चाहता, लिख गया ज्यादा, इतने स्टेप मिटा सकता था। चलो अब देखो, अगर जैसे हम यहां पर ठीक है, अगर हम यहां पर जैसे हमने लिखा ना थ्री स्टोरीज सिंस, ठीक है, अब मान लो हम यहां पर थ्री ना लिखें और केवल इतना लिखें आई हैव बीन रीडिंग स्टोरीज सिंस 9 AM, तो ये सही हो जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग स्टोरीज सिंस 9 AM इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि रीडिंग स्टोरी इज एन एक्शन, वो एक एक्शन है, और हमने अभी पढ़ा था कि अगर परफेक्ट टेंस लिखा होगा तो हम टाइम का कंप्लीशन शो करने के लिए परफेक्ट टेंस यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन लिखी नहीं है तो हम नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जो हमने थ्री स्टोरीज लिखा ना, इसमें जो थ्री है ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। रीडिंग स्टोरी इज एन एक्शन बट रीडिंग थ्री स्टोरी इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन, थ्री स्टोरीज इज द रिजल्ट। हाँ, तो अब ये जो हमने थ्री लिखा है ये रिजल्ट है। अच्छा, सबको पता है कि किसी भी एक्शन का रिजल्ट जो होता है वो उसकी कंप्लीशन के स्टेट में आता है, तो अगर हमने रिजल्ट मेंशन कर रखा है तो हमें परफेक्ट टेंस ही लिखना पड़ेगा। परफेक्ट टेंस लिखने के लिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, तो ये आंसर, आई हैव रेड थ्री स्टोरीज सिंस 9 AM, ये आंसर है। मैं फिर से बता देता हूं, ये जो हमने परफेक्ट टेंस लिखा आई हैव रेड थ्री स्टोरीज सिंस 9 AM, इसका मतलब ये है कि एक्शन अभी बंद नहीं हुआ है, ये इसका पार्शल कंप्लीशन है, मतलब एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। द एक्शन टोटल कंप्लीशन इज नॉट एक्शन, दे आर रीडिंग द फोर्थ स्टोरी, इसका इंप्लाइंग हमें आंसर ये मानना पड़ेगा, मतलब इसका इंप्लाइंग मीनिंग ये है कि दे आर रीडिंग द फोर्थ स्टोरी, कि उन्होंने फोर्थ स्टोरी को अभी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, फिर हमने लिखा आई हैव बीन ओनिंग दिस कार सिंस 2012, अब हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा सिंस 2012 और हमने कोई रिजल्ट नहीं लिखा जैसे यहाँ पे थ्री लिखा था। देखो, जो बच्चे ना जान पा रहे हो कि हम रिजल्ट किसे कह रहे हैं, तो मैंने बता देता हूँ, हम रिजल्ट कह रहे हैं हाउ मच को या हाउ मैनी को रिप्लाई करने वाले वर्ड्स को, जो हाउ मच या हाउ मैनी को रिप्लाई करते हैं वर्ड्स, उन्हें हम एक्शन का रिजल्ट कहते हैं। जैसे हमने लिखा हाउ मैनी स्टोरीज तो आंसर आ गया थ्री, तो ये हाउ मैनी का रिप्लाई है, तो ये रिजल्ट है। आई हैव बिन ओनिंग दिस कार सिंस 2012, इसमें कोई हाउ मच या हाउ मैनी का रिप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब इस एक्शन का यहाँ पे कोई रिजल्ट मेंशन नहीं है। अगर रिजल्ट मेंशन नहीं है तो सिंस के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखना चाहिए, जो अभी हमने लिख रखा है। लेकिन अब दूसरी कहानी, ओन इज अ नॉन एक्शन वर्ब। भाई जो ओन वर्ब होती है ना, ये कोई एक्शन की वर्ब थोड़ी होती है, ये तो पजेशन की वर्ब होती है, ये तो पजेशन शो करने के लिए लिखी जाती है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब हो गई। अच्छा, नॉन एक्शन वर्ब्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस कैटेगरी में आ नहीं सकती, तो अगर मान लो कोई ऐसी वर्ब है जिसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता तो उसको भी परफेक्ट टेंस में ही लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही गलत है, एक्चुअली ये दोनों ही गलत है। ठीक है, मैं देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ, समझना। कल प्रैक्टिस क्लास होगी, बिल्कुल बच्चे। देखो मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम आपको याद दिला देता हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन है असेक लाइव, ठीक है, उस पर हमने एक फ्री प्रैक्टिस बैच बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, SSC के, बैंक के, UPSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिस बैच बनाया। तो आप असेक लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें जो हमारा बैच है एनकॉम प्रैक्टिस, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको कूपन कोड अप्लाई करना है प्रैक्टिस PRACTICE कैपिटल में, ठीक है, और कल उसकी पहली क्लास शेड्यूल्ड है, जब आप उस बैच को ज्वाइन करोगे तो जान जाओगे, शाम का टाइम है 9 बजे का। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर मैं समझा देता हूं। हम सिंस के साथ में परफेक्ट टेंसेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन दो ही कंडीशन में। कब? एक कंडीशन अगर वो नॉन एक्शन वर्ब हो,
नॉन एक्शन वो वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, जिनके कॉन्टिन्यूस टेंसेज नहीं बनते, तो आप उनको परफेक्ट टेंस में लिखोगे हमेशा। दूसरी कंडीशन में हम सिंस के साथ परफेक्ट टेंस लिख सकते हैं तब जब किसी एक्शन का रिजल्ट मेंशन कर रखा हो। रिजल्ट का मतलब होता है हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई। तो दो बार में आप परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हो सिंस के साथ में, अदरवाइज सिंस के साथ में हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया करो। अच्छा, इन दोनों कंडीशन में अगर रिजल्ट दिया गया है या वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आती, तो आपको फॉर के साथ भी परफेक्ट टेंस ही लिखना है। अदरवाइज फॉर के साथ में आप जो चाहे लिखो, चाहे परफेक्ट लिखो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखो, इधर इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। सही था तुम्हारा आंसर, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, 1 आवर हो गया, हम 1 घंटे की ही क्लास रखा करेंगे जिससे कि फ्रिक्वेंसी बनी रहे, ठीक है, हाँ टूटे नहीं। तो आज के लिए तो मैं बाय करूंगा तुम सारे लोगों को, अच्छा टाइम बीता, ये हमने 2 सिचुएशन डिस्कस करी, अभी और भी सिचुएशन डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। अगली क्लास भी हम टेंस की रखेंगे, अभी मतलब टेंस ही चलता रहेगा, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहो, फंडामेंटल्स थोड़े से अपने क्लियर करो, 7th 8th की, 9th 10th की, 11th 12th की जो तुम्हें अच्छी लगे, समझ में आए, अकेडमिक्स की बुक्स ले आओ, उनको खाली टाइम में पढ़ा करो, उनमें जो स्टोरीज होती हैं, लेसन्स होते हैं, उनको पढ़ो, उनको समझो, उनमें जो वकैब होती है, एंटोनिम सिनोनिम फ्रेजल वर्ब्स इडियम्स वगैरह, उनको अलग से छांट के लिखो, उनके मीनिंग समझो, पूरी कहानी पढ़ रहे हो उसको समझने की कोशिश करो क्या कहानी चल रही है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए होते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैच द वर्ड्स हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, उनको सबको सॉल्व किया करो। मतलब इंग्लिश सुधारना चाहते हो ना तो थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। बाकी तो अपने यूट्यूब पर तुम लोग हो ही, टच में रहो, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो सिंस यू केम हियर पढ़ रहे हो ना बच्चे, सर तुम थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इनमें से एक भी नहीं बचेगा, सारे डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब करेंगे, ठीक है। हाँ, और डेली यूट्यूब पर आओगे सर? अभी तो देखो, अभी तो मंडे वेंसडे फ्राइडे रहने दो, हफ्ते में 3 दिन काफी है, फिर आगे मैं डेली भी कर दूंगा, ठीक है, खुश हो, लेकिन अभी तो यही रहने दो जो अभी है, ठीक है। तो अब तक के लिए मैं चलता हूँ, थैंक्स एवरीबडी, बहुत अच्छा टाइम बीता तुम लोगों के साथ में, और सभी को गुड नाइट।